फिर उसके बाद क्योंकि उनके साथ तो बीजेपी का साथ रहे वो, तो फिर 1991-92 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो फिर हमारे थोड़े रास्ते अलग हो गए, लेकिन हमारी दोस्ती दोस्ताना चलता रहा। कई बार आप लोग कटाक्ष भी करते थे कि अरुण जेटली गलत पार्टी में है। नहीं, वो कहते थे, वो भी मुझे कहते होंगे कि मैं भी गलत पार्टी में हूँ, लेकिन वो तो खैर चलता रहता है, राजनीति में चलता रहता है, लेकिन हमारा दोस्ताना, हमारे संबंध कभी ख़राब नहीं रहे। और कभी भी बदले की भावना से कोई राजनीति नहीं, ना हमने की ना उन्होंने की, और हमेशा एक एक संतुलन रखा, बैलेंस रखा, अपने वाकयात में भी बैलेंस रखा। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा उनका योगदान रहा वो एज लीडर ऑफ अपोजिशन रहा, एज विपक्षी जब नेता बने वो राज्यसभा में, तो उस समय हम सरकार में थे, तो उन्होंने वो भूमिका बहुत ही नफीस तरीके से निभाई, और उनका जो कद दिन ब दिन बढ़ता गया, क्योंकि उनके जो भाषण थे, ख्यालात थे हिंदुस्तान के प्रति, वो भी बड़े नेक ख्यालात थे, और वो चाहते थे कि भाजपा के जो की जो सोच है वो जनता के बीच तक पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि जो भाजपा का सत्ता में आना, उसमें भी अरुण जेटली जी का बहुत भारी योगदान। एक अंतिम सवाल करूंगा, आप वकील भी हैं, नेता भी हैं, विपक्षी पार्टी में बीजेपी के, आपके शब्दों में, क्योंकि आप कांग्रेस के नेता, बीजेपी ने क्या खोया है? बीजेपी ने सब कुछ खो दिया, क्योंकि जो जो जनता के प्रति जो भावना बीजेपी की जनता के दिल में बैठाई, उसका योगदान दो लोगों को जाता है, पहले तो अरुण जेटली जी को और दूसरा सुषमा जी को। तो दोनों नेता हमारे बीच में नहीं है, पिछले एक महीने के अंदर अनुराग दोनों नेता बीजेपी से शून्य में चले गए हैं, बीजेपी को जो योगदान था पर कुछ मेमोरीज आप लोगों ने साथ कोर्ट पे भी, दोस्त पुराने दोस्त थे, हमने कई काम हमने इकट्ठा किए, कई केस हमने इकट्ठा लड़े, और राजनीति में भी इकट्ठा रहे, हालांकि हम अलग पार्टी में थे। कभी कभार वो कहते थे कि आप कहते थे कि वो गलत पार्टी में है। नहीं, कभी वो तो ऐसे बातचीत में कह देता है आदमी, गलत या सही पार्टी है तो जनता तय करती है, लेकिन हमारे जो व्यक्तिगत संबंध है वो बहुत गहरे थे। हम ये बहुत मैं समझता हूँ कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, इस छोटी उम्र में चले जाना बहुत पार्लियामेंट में एज लीडर ऑफ अपोजिशन जब वो थे, आप सत्ता में थे, बहुत ही कई बिल्स पास हुए, बढ़िया उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, और विपक्ष के नेता के होते हुए उन्होंने जो भूमिका निभाई वो शायद ही किसी ने निभाई। सिविल साहब, मैं ये सर तो अभी थोड़ा सा जल्दबाजी में थे सिविल साहब, और उन्होंने कहा ये मन भेद नहीं था, हालांकि राजनीति में ऐसा चलता रहता है, तो आगे देखते हैं, मिलते हैं किसी से, तब तक वेट कीजिए। Record